फिनिश सागा। आज के लेसन में हम न्यू वर्ड सीखेंगे रिलेटेड टू कोरोना वायरस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता, हम बस ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। बट आज हम सीखेंगे कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। पहला वर्ड है COVID-19। COVID-19 कोरोना वायरस का एक नाम दिया गया है शॉर्ट में। CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, D स्टैंड्स फॉर डिजीज एंड 19 स्टैंड्स फॉर 2019। इसका मतलब हुआ कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये 2019 में पहले हमने सुना था इसके बारे में, इसलिए इसका नाम रखा है COVID-19। नेक्स्ट, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आप आसपास के लोगों से ना मिलें, भीड़ इकट्ठा ना करें। जो आपके नेबर्स हैं, फैमिली है, उनसे दूर रहें, गेट टुगेदर ना करें, कहीं पे ज़्यादा लोग ना हो, सोशली दूर रहें लोगों से। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है किसी बीमार इंसान को अलग रखना उनसे जो बीमार नहीं है। एक और वर्ड यूज़ होता है सेल्फ आइसोलेशन, इसका मतलब है खुद को बीमार लोगों से अलग रखना। नेक्स्ट, क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब है जो लोग अभी बीमार नहीं हैं बट वो बीमार लोगों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं, इसलिए उनको अलग रखना। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में यही अंतर है। आइसोलेशन बीमार लोगों के लिए है और क्वारंटाइन उनके लिए है जो बीमार नहीं है बट बीमार लोगों से कॉन्टैक्ट में थे। नेक्स्ट थ्री वर्ड्स में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड आउटब्रेक। पहले हम बात करते हैं आउटब्रेक की। आउटब्रेक छोटा होता है और अनयूजुअल होता है, अचानक से होता है जिसका हमें पता ना हो। ये स्पेशली वॉर के लिए यूज़ होता है। ये यूजुअली स्मॉल अमाउंट होता है बट धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक बहुत बड़े स्केल पे होता है और ये स्प्रेडिंग होता है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। इसको हम हिंदी में महामारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वाइन फ्लू एक एपिडेमिक था। नेक्स्ट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक वो डिजीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पे फैला होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे कोरोना वायरस एक एपिडेमिक नहीं है, ये पेंडेमिक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है, सारी कंट्रीज़ में है और ये आउट ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब है जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से कोई डिजीज़ फैलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ुकाम, कफ वगैरह, ये सब कंटेजियस हैं। जब हम किसी और बीमार इंसान के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। बट अगर किसी इंसान को फीवर है और अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में हैं तो हमें फीवर नहीं होगा, बट हाँ, अगर उसको ज़ुकाम है तो हमें ज़ुकाम होगा। ये होता है कॉन्टेजियस। नेक्स्ट इज एसिम्प्टमैटिक। एसिम्प्टमैटिक का मतलब वो इंसान जिसको सिम्टम्स ना हो, जिसको किसी स्पेसिफिक बीमारी के सिम्टम्स ना दिखें, वो होता है एसिम्प्टमैटिक। नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब कोई कंटेजियस डिजीज़ जब कोई एक इंसान को ना होके बहुत सारे लोगों को हो, एक पूरी कम्युनिटी को हो, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। जैसे कोरोना वायरस ही एक इंसान से बहुत सारे लोगों को हो रहा है। अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को है तो उसकी पूरी फैमिली मेम्बर को वो स्प्रेड हो रहा है। ये होता है कम्युनिटी स्प्रेड। तो ये थे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कोरोना वायरस जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।